तुम्हारी सबसे फेवरेट जगह थी ये। तुम्हें अब तक याद है? तुम्हारी कोई भी बात मैं कभी भूलता नहीं। देखो अरीज, मैं इजहार करूँ या ना करूँ मगर सच यही है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। अब तक उसकी बात को दिल पर लेके बैठे हो? ठीक कहता था फरहान, ये मोहब्बत भी कोई करने की चीज है। उस्ताद मेरा दिल चाहता है कि मैं अभी उसके घर का दरवाजा तोड़ कर उसे उठाकर तेरे पास ले आऊँ। उसके घर का दरवाजा तो तोड़ सकता है पर उसके दिल का दरवाजा कैसे खोलेगा मेरे लिए? अगर दानियाल घर दामाद बनने को तैयार नहीं है तो आप ये घर मेरी बेटी के नाम कर दें। बाहर मॉम की गाड़ी खड़ी है, लगता है मॉम आई है। मुझे लगता है वो मुझसे बहुत नाराज होंगी। दानियाल अगर वो गुस्से में कुछ बोल दें तो प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानना प्लीज। अरे तुम एक काम करो, तुम जाकर मिलो अपनी मॉम से, मैं बाद में आ जाऊंगा। ये क्या बात हुई? बात को समझने की कोशिश करो हरीज, उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं मुझसे। वैसे भी वो बातें करती कहाँ हैं? तेजाब में भिगोकर तीर मारती हैं, इसलिए प्लीज मुझे मजबूर नहीं करो। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी यही हूँ। अब ये कौन सी जिद हुई भाई? तुम नहीं मिलोगी तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम जाओ प्लीज, मिलो उनसे। वैसे भी जब तक तुम्हारी मॉम तुमसे मिल नहीं लेंगी वो जाएंगी नहीं। मैंने कहा ना, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ओके सच? क्या हुआ? अपने बेटे की खुशियों की खातिर इस घर की कुर्बानी नहीं दे सकते आप? मैं तो अपनी बेटी के लिए घर के साथ साथ ऑफिस में जॉब भी दे रही थी आपके बेटे को, लेकिन उसे कबूल नहीं था। छोटी छोटी सी बातों पर गैरत जाग जाती है उसकी। एनीवेज, मैं अब इस टॉपिक पर और बहस नहीं करना चाहती। लेकिन एक बात याद रखिएगा तारिक साहब, अरीज और दानियाल का रिश्ता ज्यादा नहीं चल सकता। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं ये घर आपकी बेटी के नाम करने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा करने से मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां वापस आ सकती हैं तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना बात, मुझे यकीन था जो शख्स सारी जिंदगी एक मजबूत चट्टान की तरह अपने कदमों पर खड़ा रहा हो वो अपनी औलाद की खुशियों की खातिर जरूर टूटेगा। क्या करूं, औलाद है मेरी और औलाद की खुशियों के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, मगर ये बात हर कोई नहीं समझ सकता। खैर, मेरी भी एक शर्त है। इस बात की खबर दानियाल को नहीं होनी चाहिए वरना वो मुझे ऐसा करने नहीं देगा। ठीक है, फिर आप अरीज के नाम घर के पेपर्स तैयार करवा लें, बाकी मामला मैं खुद संभाल लूंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मामा, सॉरी मामा, मैं आपको बताए बगैर यहाँ आ गई थी। अच्छा किया तुम आ गई, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरीज बेटा, अपनी मामा को अपने रूम में ले जाओ ताकि ये तसल्ली से आपके साथ बात कर सके। चले मामा। और दानियाल, कैसा रहा तुम्हारा डिनर? अच्छा था वो। अच्छा था। अबू जान, आंटी ने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की आपसे?
अरे नहीं बेटा, मेरे साथ उन्होंने क्या बात करनी थी। खैर अब बैठो, तुम भी थक गए होगे। ये तुमने अच्छा नहीं किया रीच। मॉम, मैंने सॉरी की है ना? बस सॉरी? बेटा तुमने मुझे इन लोगों के सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या कहते होंगे ये लोग? तुम्हारे बिहाव पर मैं बड़ी बड़ी बातें करती थी और तुम खुद ही चली आई यहां। जरा से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारी। मॉम, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कितना बड़ा फैसला तुम मेरी मर्जी के बगैर कर लोगी। पागल हो तुम? मैं तुम्हारी लाइफ प्लान कर रही हूँ और तुम? मॉम, आप जानती हैं मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ दानियाल से। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मैं डर गई थी कहीं उसने मुझे डाइवोर्स देने का फैसला कर लिया तो। अरीज, ये जो प्यार मोहब्बत की बातें तुम्हें अभी फैसिनेट कर रही है ना, कुछ अरसे बाद इनसे चिढ़ होने लगेगी तुम्हें। तुम नहीं जानती इन लोगों को, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ इन्हें। अगर तुमने इन्हें अपनी टर्म्स पर नहीं चलाया तो ये तुम्हें अपनी टर्म्स पर चलाएंगे। फिर सारी जिंदगी नौकरानी बनी रहना इनकी। मॉम, आप ऐसी बातें क्यों कह रही हैं? दानियाल ऐसा नहीं है। अगर मैं तुम्हारे पीछे से कुछ देर के लिए हट जाऊं ना, तो फिर तुम्हें लग पता जाएगा कि दानियाल कैसा है। समझी? पागल। बाबा जान से नाराज हैं आप? भला मैं कैसे भाई साहब से नाराज हो सकती हूँ? कभी एहसानों के नीचे दबा हुआ इंसान अपने मौसम से नाराज हो सकता है? तुम तो जानती हो कि मैं और भाई साहब सगे बहन भाई नहीं हैं। हमारा बाप तो एक था, मगर मेरी माँ बाहर के खानदान की थी, इसलिए मेरे बाप के खानदान ने कभी उसे वो इज्जत नहीं दी जो उसका हक है। और हक था, मगर बाबा साहब की मौत के बाद भाई साहब ने मुझे वो इज्जत दी, वो मकाम दिया जो एक बहन का, सगी बहन का होता है। कभी नहीं जताया कि मैं सौतेली हूँ, मगर सच तो यही है ना तानिया कि मैं सौतेली हूँ। और मुझसे यही गलती हुई कि मैं अपनी हकीकत भूल गई। वो इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? बेटा, जब इंसान अपनी हैसियत भूल जाए ना तो वो चोट खाता है, बड़ी चोट, जैसे मैंने खाई। मैं भूल गई थी कि मैं पराए खानदान की औरत की औलाद हूँ। मैंने बड़े बड़े ख्वाब देख लिए, मगर भाई साहब ने ठीक किया, मुझे मेरी हकीकत बता दी। फूफो, मैं बाबा जान को अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो किसी गैर का दिल नहीं दुखा सकते, आप तो फिर अपनी हैं। तानिया, अगर तुम मुझे अपना समझती हो ना बेटा, तो फिर इजाज से शादी की हामी भर लो। क्या वो इतना बुरा लगता है तुम्हें? तो वो क्या हम इसके अलावा कोई और बात नहीं कर सकते? नहीं बेटा, मैं नहीं कर सकती। मैं माँ हूं, मुझसे अपने बेटे की हालत देखी नहीं जाती। तानिया,
एजाज तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुमने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है मेरे मौला? मैं सिकंदर जैसे इंसान से अपनी बेटी कैसे ब्याह सकती हूँ? मैं उसे इनकार भी कैसे कर सकती हूँ अगर वो हमारा दुश्मन हो गया तो? अम्मी चाय पीने। अम्मी अम्मी किन सोचों में गुम है आप? कुछ नहीं बेटा, किसी सोच में नहीं। आप जब से सिकंदर के घर से आई हैं ऐसी बैठी हैं और किसी और की तरफ मिठाई देने भी नहीं गई। अम्मी क्या बात है, ऐसा क्या हुआ है बताए ना मुझे। कोई बात तो जरूर है अम्मी जो आप छुपा रही हैं। अम्मा ये मिठाई किस खुशी में आई? हाजरा आई थी वो देकर गई है। हाँ। खाई है ना तूने, मजे की थी ना? नहीं अच्छी थी। उसकी बेटी की मंगनी हुई ना, इस खुशी में लेकर आई थी। वो क्या नाम था उस लड़की का? हाँ फरी। तुम क्या समझे थे? अब नहीं अम्मा, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं अच्छी थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। क्या जरूरत थी ये बोलने की कि आप सोच के बताएंगी? सीधी तरह मुंह पे इनकार नहीं कर सकती थी? सीधी तरह मुंह पे जवाब क्यों नहीं दिया? कैसे देती हैं आप जवाब? और ये सब आप ही की वजह से तो हो रहा है। आप एक गुंडे को घर में बुलाती हैं, चाय पिलाती हैं, उसका नतीजा तो ये सब ही होगा ना? महविश प्लीज थोड़ा अम्मी का ही ख्याल कर लो, वो पहले ही बहुत परेशान है। तुम चुप रहो। अम्मा अब आपको वहां पे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आपको वहां पे जाने की भी जरूरत नहीं। प्लीज कम से कम इतनी सी मेरी बात जरूर मान लीजिएगा। अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपना समझती हो ना बेटा, तो फिर इजाज़ से शादी की हामी भर लो। क्या वो इतना बुरा लगता है तुम्हें? मैं माँ हूँ, मुझसे अपने बेटे की हालत देखी नहीं जाती। तानिया इजाज़ तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
बहुत खुश हो गए तुम दिल ही दिल में, समझ रहे हो कि बहुत बड़ी जीत मिली है तुम्हें, लेकिन नहीं हबीब खान, नहीं, ना तुम्हारी जीत हुई है और ना ही तुम कामयाब हुए हो। हाँ, वक्ती कामयाबी जरूर नजर आ रही होगी तुम्हें, लेकिन याद रखना होगा वही जो मैं चाहूंगी। एक बात तो बताओ निगत बेगम, ये तुम ऐसी बातें सोच कैसे लेती हो? मेरी कभी भी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं जिंदगी में तुम्हें कभी हारा हुआ देखूं। मुझे तो तुम्हारी लंबी नाक और अकड़ी हुई गर्दन से प्यार है। मैं ये नहीं चाहता कि जिंदगी में तुम्हें कभी भी हार देखनी पाए, मगर बेटी की खुशियों का कत्ल करके अगर तुम जीत भी गई तो उस जीत का जश्न कैसे मनाओगी? हो सकता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत हो, मगर मुझे पूरा यकीन है कि अपनी बेटी के लिए तो तुम्हारे दिल में नफरत नहीं हो सकती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो अपने घर वापस चली गई है। वो घर मेरी बेटी की शान के मुताबिक होता ना तो मैं उसे जाने से कभी भी न रोकती, लेकिन वो दो कमरों का घर मेरी बेटी का घर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। उस दो कमरों के घर का इंतखाब तुम्हारी बेटी ने खुद किया है, तुम्हें उसकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है मुझे। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास निगत बेगम, खुद को बदल लो, वरना एक दिन बहुत पछताओगी जब तुम्हारे पास कोई भी अपना रिश्ता ना रहा। तो क्या करोगी इतने बड़े घर का? घर रिश्तों से खाली हो जाए ना तो तन्हाई से भर जाते। अभी भी वक्त है, बदल लो खुद को प्लीज, वरना तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। निगत नाम है मेरा हबीब खान, और सबको अपने हिसाब से बदलना आता है मुझे। तुम देखना एक दिन सब कुछ बदल के दिखाऊंगी मैं तुम्हें, सब कुछ। मैं समझ रही थी कि उसने मेरी बात सुनकर मेरा पीछा करना छोड़ दिया है, मगर उसने तो मेरे गिर्द घेरा और भी तंग कर दिया है। जो बात पहले मुझ तक थी अब वो मेरे घर तक पहुंच गई है। मुझे कुछ करना होगा, क्या करूंगा? तुम्हें अम्मी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, वो पहले ही थी परेशान है। किससे करनी चाहिए थी? महवेश तुम समझ क्यों नहीं रही, उन्होंने अम्मी से बात की है, अम्मी ने तो अपनी ख्वाहिश उनसे जाहिर नहीं की। फिर वो शहर अम्मी ने दी है, क्या जरूरत थी उनको एक गुंडे से घर में बुलाने की, चाय बिस्किन खिलाने की और बेटा बेटा कहने की? उसका तो दिमाग खराब होगा। आखिर जरूरत क्या थी उनके घर मिठाई भिजवाने की? अच्छा बस भी कर दो, रिश्ता ही तो मांगे, कौन सा कोई जबरदस्ती ले जाने की बात की है। और वैसे भी जिस घर में बेरी हो वहां पत्थर तो आते ही हैं। मैंने इसे साफ साफ मना क्यों नहीं कर दिया? इस बात की हामी क्यों भर ली जो मैं कभी कर ही नहीं सकता? ये घर ही तो है मेरे पास जिस पर मेरी सारी औलाद का हक है। मैं इसे अरीश के नाम करके बाकी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं?
जुबान दे चुका हूँ। अब चाहे कुछ भी हो, मुझे अपनी जुबान की लाज तो रखनी ही है। अब्बू, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, अब जाओ। नहीं अब्बू, आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। कुछ हुआ है तो बताएं ना मुझे। कहा ना बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। जाओ तो। बेटा मैं ठीक हूं, तुम जाओ। जाओ तुम। मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारा हाथ पकड़ना मेरा हक है। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आने की जुर्रत की तो इससे भी बुरा होगा। चौधरी मुनव्वर की बेटी हूँ मैं। मैं अपने रिश्ते को लेकर बहुत मायूस हो गया था। इंसान भी कितना बेवकूफ है ना, जिससे मोहब्बत करता है कभी कभी उससे ही जिद लगा लेता है। तानिया, तानिया बेटा, खुदा का वास्ता भाई साहब को ना बताना। फूफो, अगर आपकी इज्जत का ख्याल ना होता तो उसे दोबारा इस घर में कदम रखने की भी इजाजत ना होती। रिश्ते जब सोते।